Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दूसरी फिश है वो है टाइगर बाब। इसमें दो प्रकार की फिशेस है, एक टाइगर बाब और एक रेमिनोस टेट्रा। तो टाइगर बाब के ऊपर बात करते हैं, तो आप टाइगर बाब जो है वो आप 12 की क्वांटिटी में रख सकते हैं 1.5 फीट के एक्वेरियम में। ये एक शानदार ग्रुप वाली फिशेस होती है और ये इतनी ही शानदार होती है कि पैरेट के साथ भी रह लेती है, ठीक है। तो इसका भी वीडियो मेरे चैनल पर बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं कि टाइगर और पैरेट भी साथ में मैंने रखा है। तो वो वाला भी वीडियो प्लेलिस्ट में बना होगा टाइगर बाब या पैरेट फिशेस के, ठीक है। तो ये थी आपकी टाइगर बाब जो कि आप लगभग 12 की क्वांटिटी में रख सकते हैं। नेक्स्ट फिशेस की ओर अब बढ़ते हैं जो कि है रेमिनोस टेट्रा। इसमें रेमिनोस टेट्रा है जो कि आप ब्लू ई रेड कलर में देख रहे हैं, तो वो रेमिनोस टेट्रा को आप रख सकते हैं टोटल 15 की क्वांटिटी में 1.5 फीट के एक्वेरियम में। शानदार दिखेगी रेड रेड और बहुत ज़बरदस्त फिशेस होती है रेमिनोस टेट्रा। और ये भी ग्रुप की ही फिशेस है, जैसे वीडो टेट्रा सब होते हैं वैसे ही रेमिनोस टेट्रा होते हैं। और ये शानदार दिखती है, रेयर वैरायटी है, बहुत अच्छी भी लगती है देखने में। तो आप वीडो टेट्रास के साथ भी टैंक मेट्स बना सकते हैं। अभी तो मैं सिंगल सिंगल बता रहा हूँ, एक ऐसा वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैंने एक खूबसूरत टैंक सेटअप करके भी बताऊँगा कि कैसे कैसे आप कौन कौन सी फिशेस साथ में रखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त दिखेगी। चलिए नेक्स्ट फिशेस की ओर बढ़ते हैं। चौथी फिशेस है शॉर्ट टेल। शॉर्ट टेल इसे बोलते हैं। इसमें मॉली सब की भी वैरायटी आती है, तो आप ये रखेंगे 1.5 फीट के एक्वेरियम में 8 की क्वांटिटी में, जिसमें 2 मेल और 6 फीमेल रख सकते हैं। और इसके लिए एक अलग सा सेटअप करके रखें टैंक, एक हॉस्पिटल टैंक बना के रखें, क्योंकि बार बार ये मछली जो है आपके एक्वेरियम में एक लेक करते रहेगी। और प्लस ये है कि ये बहुत ज़्यादा बीमार पड़ती है, तो आप एक टैंक ज़रूर बना के रखें। तो आप ये रख सकते हैं 8 की क्वांटिटी में, चाहे वो शॉर्ट टेल हो या फिर मॉली हो, प्लेटी हो, ये सब एक ही हुआ ग्रुप का। तो आप 8 की क्वांटिटी में 1.5 फीट के एक्वेरियम में रख सकते हैं। पांचवा वैरायटी है, आप गप्पी फिशेस रख सकते हैं। और गप्पी फिशेस जो है आप 12 की क्वांटिटी में रख सकते हैं, जिसमें 8 फीमेल और 4 मेल रख सकते हैं। और इसके लिए भी एक अलग सा टैंक सेटअप करके रखें, क्योंकि ये 20 दिन में आपकी टैंक में वापस से जनसंख्या वृद्धि हो जाएगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो इसलिए गप्पी फिशेस के लिए एक अलग सा टैंक सेटअप करें। और ये प्लांटेड टैंक में बहुत ज़बरदस्त दिखती है, तो आप प्लांटेड टैंक का सेटअप करें तो और ज़बरदस्त दिखेगी और काफ़ी समय तक रहेगी। तो पांचवा नंबर था गप्पी फिशेस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फिशेस की ओर। छठी फिश है 1.5 फीट एक्वेरियम के लिए गोल्ड फिश। पर इसके लिए आपको फिल्टरिंग सिस्टम थोड़ा बढ़िया रखना पड़ेगा, प्लस क्वांटिटी कम रखना है। तो आप 1.5 फीट के एक्वेरियम में मात्र 1 पेयर आप गोल्ड फिश रख सकते हैं, वो भी कुछ समय के लिए। ये एक टेम्प्रोरी है, मैं आपको सजेशन कम देता हूँ कि आप 1.5 फीट के एक्वेरियम में 4-5 गोल्ड फिश रखें। अगर 2 फीट भी रख रहे हैं, चाहे वो ब्लैक गोल्ड हो या फिर नॉर्मल और इंडा गोल्ड हो, रेड कैप हो, कोई भी गोल्ड हो, अगर रख रहे हैं मात्र 1 पेयर यानी 2 पीस रखना है, इसके अलावा आपको नहीं रखना है, ठीक है। ब्लैक गोल्ड और बाकी जो भी है रेड कैप, ठीक है। तो आपको मात्र 1 पेयर रखना है और स्पंज फिल्टर लगाना है और पानी अच्छे से साफ करना है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फिशेस की ओर। ये सब अलग अलग फिशेस देख लीजिए, ये सब नहीं रहता है, बस ब्लैक गोल्ड और फिर ओरिंडा वाला जो पहले देखे थे। अगली जो फिश की वैरायटी है वो एक गोरामी फिशेस। गोरामी बहुत प्रकार की आती है, जिसमें से ये जो स्मॉल वाली अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये आप रख सकते हैं। इसमें एक प्योर वाली जो आप देख रहे हैं वो किसिंग गोरामी है, उसे आप नहीं रखेंगे 1.5 फीट वाले एक्वेरियम में। जबकि जितने भी गोरामी आप देख रहे हैं जिसमें 3 स्पॉट है वो आप रख सकते हैं,
तो थ्री स्पॉट गुरामी जो है वो आप 1.5 फीट के एक्वेरियम में 4 की क्वांटिटी में रख सकते हैं, प्लस येलो वाला जो है उसे भी आप 5 की क्वांटिटी में रख सकते हैं। और ड्वार्फ गुरामी इसमें नहीं दिख रही है, पर ड्वार्फ गुरामी भी एक वैरायटी होती है गुरामी की, उसे आप जो है 5 की क्वांटिटी में रख सकते हैं। तो लगभग जितने भी ये सब गुरामी हैं इसे आप 4 और 5 की क्वांटिटी में 1.5 फीट वाले एक्वेरियम में रख सकते हैं। एक शानदार फिशेज़ होती है और काफ़ी समय तक रहती है, और काफ़ी हार्डी फिशेज़ होती है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्डी फिशेज़ होती है और कलरफुल रहती है, इस कारण बहुत ज़्यादा सेल भी होती है इस फिशेज़ की। इस फिशेज़ का बहुत कम ही मैंने वीडियो बनाया है, तो जब मैं ड्वार्फ गुरामी या कोई भी गुरामी का सेटअप करूँगा तो फिर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। मेरे पास फिलहाल जाइंट गुरामी है, पर जाइंट गुरामी तो 1.5 फीट के एक्वेरियम में कभी नहीं रहने वाली है, तो ना किसिंग गुरामी को रखेंगे ना जाइंट गुरामी को। बाकी जितने भी गुरामी की वैरायटी है उसे आप 4 और 5 की क्वांटिटी में रख सकते हैं, जो कि शानदार होती है और फीडिंग वीडिंग ज़बरदस्त लेती है और कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चलिए, ये हो गई आपकी गुरामी की वैरायटी। 8वीं फिशेस है वो है जेबरा फिशेस, जो कि बहुत सारे कलर में आते हैं। तो आप 1.5 फीट के एक्वेरियम में आप लगभग 20 की क्वांटिटी में जेबरा फिशेस रख सकते हैं, और उससे भी अधिक रख सकते हैं, यानी 20 से लेकर के आप 24 पीसेस तक रख सकते हैं। 2 दर्जन आप जेबरा फिशेस 1.5 फीट के एक्वेरियम में रख सकते हैं, और ज़बरदस्त दिखती है जेबरा फिशेस भी, और बहुत सस्ती होती है। मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है, सबसे सस्ती मछली वाला, तो आप नहीं देखें तो आप जाके प्लीज़ मेरे चैनल को विज़िट कर लें, बहुत ज़बरदस्त वीडियो है, तो आप देख सकते हैं। और जेबरा फिशेस बहुत हार्डी फिशेस होती है, इसे उतनी केयर की आवश्यकता होती नहीं है, बस समय समय पर पानी चेंज करते रहिए, और फीडिंग बहुत ज़बरदस्त लेती है और बहुत ज़बरदस्त फिशेस भी होती है जेबरा फिशेस। तो ये 8वां वेराइटी था जो कि आप 1.5 फीट के एक्वेरियम में रख सकते हैं। तो मैंने इसमें 8 फिशेस सेलेक्ट किया है, तो 8 फिशेस आप 1.5 फीट के एक्वेरियम में रख सकते हैं, जो कि 1.5 फीट के एक्वेरियम में रखने लायक है। वैसे तो फाइटर फिश भी रख सकते हैं, वैसे तो एक ऑस्कर भी रख सकते हैं छोटा ला के, लेकिन मैं वही फिशेस सेलेक्ट किया हूँ जो कि 1.5 फीट के एक्वेरियम के लायक है और 1.5 फीट के एक्वेरियम में अच्छा दिखेगी। अब आप ही 1.5 फीट का एक्वेरियम लाएंगे और उसमें एक फाइटर फिशेस रखेंगे तो वो उतनी अच्छी नहीं दिखेगी, ठीक है। फाइटर फिशेस के लिए 1 फीट का एक्वेरियम और एक बाउल बड़ा सा जो 12 से 15 इंच वाला आता है, तो उसमें आप रख सकते हैं। बाकी आप 1.5 फीट में ये 8 फिशेस रख के देखें, थोड़ा सा डेकोरेशन करें, तो बहुत ज़बरदस्त दिखेगा आपका एक्वेरियम। और एक्वेरियम का मतलब होता है एक सुंदर सा स्थान पे, एक सुंदर सा सजावट में कुछ टैंक सजा हुआ, यही होता है एक्वेरियम का मतलब। ये नहीं होता है कि कुछ भी फिशेज रख रहे हैं, तो आप एक खूबसूरत टैंक का सेटअप करें, कुछ अच्छा सेटअप करें, और उसमें ये 8 फिशेज रख के देखें 1.5 फीट वाले एक्वेरियम में, आपकी घर में बहुत ज़बरदस्त लगेगा और बहुत ज़बरदस्त सब फिशेस भी है। और जितने क्वांटिटी में मैंने बताया उतना ही रखिएगा, उससे ज़्यादा और कम ना रखें, ठीक है। मैंने रख कर देखा है इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। तो ये मेरी थी 1.5 फीट एक्वेरियम के लिए 8 ऐसी फिशेस जो कि मैंने सेलेक्ट किया था। आप इसे रख के देखें, और आपको कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और मेरी वीडियो कैसी लगती है आप ज़रूर कमेंट करें। और ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और जो भी फिश हॉबीस्ट है उसके साथ शेयर करें, और ताकि अच्छा दिखे, जिसके घर में सबके घर में अच्छा टैंक सेटअप हो तो वो बहुत ज़बरदस्त दिखता है। तो प्लीज़ ये 8 आप फिशेस रख के देखें 1.5 फीट वाले एक्वेरियम में, बहुत ज़बरदस्त होगी और बहुत ज़बरदस्त दिखेगी। और उसके बाद मैं इसी तरह प्रत्येक टैंक के लिए बनाऊंगा, 2 फीट 2.5 फीट 3 फीट ऐसे ही, और मैं जो जो फिश क्वांटिटी में बताऊंगा आप वैसा रख के देखें, बहुत ज़बरदस्त रहेगा। चलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।